अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप मुझे देख रहे होंगे हुडी में, और इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद में सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं। रात के टाइम जो मौसम है वो काफ़ी चिली हो जाता है, लेकिन इतनी ठंड नहीं हुई कि अभी हुडी या स्वेटर या जैकेट्स वगैरह पहनी जाए। लेकिन हमने क्यों पहनी, और हमसे मुराद है मैंने भी पहनी है और सेम कलर। सो हमने भी सेम कलर की पहनी और ट्विनिंग की है और कलर कोऑर्डिनेट किया है अनिया के साथ। ये अनिया की भी सेम, बस बॉस्टन लिखा है इस पर और मेरी प्लेन है। I like plain stuff. और मजे की बात यह है कि हमारा जो आउटफिट है वो कम्प्लीटली सर से पैर तक ब्लू है। ये जी हमारा हुडी भी ब्लू है, हमारी जीन्स भी ब्लू है और हमारे जूते भी ब्लू। सो ब्लू ब्लू ब्लू, एंड ये भी ब्लू 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 ही चल रहे, बस ये इनका जो व्हाइट है उसमें जरा वो है। एंड ये बड़ी कूल चीज यार हमने ली थी, ये अभी हमने जब दुबई से लिए थे ना जूते, तो उसके साथ ये स्नीकर प्रोटेक्शन कुछ मिला था। तो इनिशियली मुझे लगा था कि वहाँ पे जो बंदा है वो बेचने की कोशिश कर रहा है, मतलब जाहिर बेचने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने बोला कि स्वेट जूतों पे आप ऐसे अगर स्प्रे करें तो इस पे कोई मट्टी शट्टी नहीं चिपकती। ये तो इतने वाइट हैं भी नहीं, ब्लू का कॉम्बो है भाई साहब। न्यू बैलेंस के जो फेवरेट जूते थे जो ग्रीन के साथ थे, उस पे जो है ना मेरी एक लिवाइस की जीन्स थी उसका कलर उतर के उसके वाइट पे लग गया, तो मैंने बेसिकली उसके लिए लिया था, बट अभी तक मैंने वो साफ नहीं किया। सो और अगर आप लोग देख रहे हैं तो भाई साहब, डजंट मैटर कि आपकी जीन कहाँ की है, कितने की है, आपकी जीन्स आपके जूते खराब कर सकती है अगर वाइट है। मैं अपने वाइट वालों का आपका हाल दिखाता हूँ। मैंने मुश्किल से सिर्फ दुबई में पहने थे, वो भी शायद आई थिंक 2 दिन पहने होंगे, 3 दिन पहने होंगे। ये इनका हाल देखें क्या हुआ है, ये देखें गंदे हुए हैं यार, ऐसे गलीस। मतलब कलर तो ऑफ वाइट ही है, दे नॉट लाइक यू नो पर्ल वाइट या वाइट वाइट, मतलब जैसे ये वाइट है ऐसा वाइट नहीं है ये, बट ऑफ वाइट था। और ये ऑफ वाइट का भी हाल देखें, इसमें कितना गंद हुआ है। वाइट स्नीकर्स ले तो लिए, लेकिन मेंटेनेंस बड़ी मुश्किल है इसकी। गाइस अनिया हैज अ क्यूट थिंग फॉर सॉक्स, सो शी गेट्स अ लॉट ऑफ सॉक्स। और मुझे ना कोई ऑब्सेशन है चप्पलों से, मैं चप्पलें स्टॉक करता हूँ क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं सबसे ज्यादा जो है वो चप्पल पहनता हूँ। तो स्केचर्स की चप्पल लेना मेरी जिंदगी बदल दी। आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे ये भी चप्पल स्टॉक हुई है, ये बड़ी सॉफ्ट थी यार, ये देखें, ओहो हो फी सॉफ्टीनेस ना फील होती है ये। और दूसरी ये, ओहो हो ये भी कमाल यार, दोनों ऐसे लाइक इक्वली सॉफ्ट। एंड ये वाली चप्पल मेरी आज कल की गो टू है क्योंकि ये जरा फ्लैट फुट के लिए, अनफॉर्चुनेटली मैं भी फ्लैट फुट हूँ और ये भी फ्लैट फुट है। क्या हुआ, नो नो आई डिडंट रिप देम, मेरी फटा पट्टा नहीं है, तुमने छेद कर दिया उनमें यार। नहीं बिल्कुल सही, देखो तुम पहनो के भी सही हो जाएंगे, प्रॉमिस। ये मैं भी कर सकती हूँ निकालना तो, और तुम्हें क्या लगता है कैंची से निकालूंगा? हाँ, अपना तो बड़ा तुमने प्यार से नेल कटर से काटा था टैग, वो हुडी का था ना, हुडी फट जाती है। सॉक्स तो इतना तो चलता है यार। मेरा भी वैसे इनिशियली प्लान था कि मैं व्हाइट स्नीकर्स पहनूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये जो ब्लू स्नीकर्स हैं ये मैंने इतने पहने नहीं एंड जरा अच्छे ही लग रहे हैं। हमारे जो भाई साहब हैं उमर साहब, वो बोलते हैं कि तुमने जूते लिए अंकलों का। मैंने कहा जब मैं अंकल ही बन रहा हूं, मैं उस एज में फॉल कर चुका हूं और उसी तरफ जा रहा हूं, तो 28 कौन सी बुराई है? बुराई नहीं है, बट स्टिल लाइक अंकल जनरली थोड़े ओल्डर लोगों को बोलते हैं ना, तो वो एज इज जस्ट अ नंबर यार। मुझे 17-18 साल के लड़के भी अंकल बोलते हैं। गाइस मैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, मैं 28 साल का हूँ और ये 26 साल की हैं। और अब क्योंकि मैंने ये बता दिया क्योंकि ये दोबारा ही मैं रिपीट कर चुका हूँ, तो अब हमारे कमेंट बॉक्स में ना आप लोग जाहिर है वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखते देखते ही ना कमेंट बॉक्स जरा खुलिएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा कहाँ से 28 साल का, ये तो 45 साल का आदमी है, ये तो बुढ़ी औरत है, ये इस तरह के ना इतने कोई कमेंट। मतलब मेरी जब बर्थडे थी ना तो मैं कि हम लोग लगते नहीं है, बट कोई हमें वैसे इंसेंटिव भी नहीं है झूठ बोलने का अपनी उम्र कसम से, तो वैसे ही 30+ होने का बड़ा शौक है कसम से यार। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं आप लोगों से क्यों झूठ बोलूंगा, मैं 28 साल का हूँ तो मैं 28 साल का हूँ। और कमेंट से ये भी लोग बोलते हैं कि आप लोग हर साल अपनी जो एज है ना वो एक साल कम करते हैं। अरे मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख लो, मैं जितने का था उससे एक साल ज्यादा ही हूँ, तो कुछ इस तरह का सीन होता है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब डजंट मैटर, अगर मैं 40 का भी होता तो मैं आपको बताऊंगा 40 का हो गया हूँ, 50 का हो गया हूँ, 60 जब भी होऊंगा तो इंशाल्लाह आपको पता लगता रहेगा। अब तो आपको पता भी है। थिंग इज कि आप जब कैमरे के सामने आ गए, यूट्यूब पे आ गए, सो देयर इज नो बैकिंग आउट एंड देयर इज नो लाइंग, आप झूठ तो बोल ही नहीं सकते। ये क्या है, वाटर स्प्रे।
वाटर स्प्रे, इससे क्या होता है? फिर मिस्ट, रिफ्रेशिंग। तो मुंह ना धो लूं? नहीं आज आप मुंह नहीं धो सकते वहां। तो यार इतनी मेहनत करने की है क्या? वैसे कैसे चलता है? उल्टा करो। उल्टा बटन दबाओ। गाइस ये क्या अजीब अजीब चीज़ें हैं। ये गाइस ये इसकी बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने पहले देखा लारोश फोसे। चले ये जो शदान है ना, ये इसको मैंने इसको क्या हो गया शदान को दो घंटे से उठा रहा हूँ यार, उठ ही नहीं रहा। ओके 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 सॉरी 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 गाइस ये उठ नहीं रहा, ये उठ नहीं रहा, इसको कितनी देर से उठाने की कोशिश करें। उठो। 10 AM गाइस टाइम देखे, चार बजे। चलो यार उठो उठो। इट्स गोना बी सनसेट। 5 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, चलो उठो। खमसा खमीर वाला हबीबी कैफल हाल। तो गाइस इस गाड़ी को निकालने के लिए इसको भी निकालना पड़ता है, इसको भी निकालना पड़ता है, और वो भी यहाँ पे खड़ी थी। एक गाड़ी को निकालने के लिए अजाब बन जाता है, और ये पता नहीं कितने अरसे से इसको धोया नहीं है, इसके शीशे इतने गंदे हो रहे हैं। वो भी जरा थोड़ा पानी वानी इस पे मारते हैं। हुए, 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 यार धूल मिट्टी से भरी हुई है, लिटरली अंदर भी मिट्टी धूल उड़ रही है। ओके ये अब आया, अब आप लोगों को क्या टाइम दिखाया था? 4:30 हो रहे हैं। ये देखे, ये देखे, इतनी देर में हमें घंटे की बात भी कर ली है। इतनी देर तुम्हें क्यों लगी है? Guys, listen, I told them to wake me up, right? And they would. I woke you up at 1 p.m. I slept at 10:30 a.m. Is that my problem? Yes, because you guys left me. Listen, they're supposed to keep me company at night and, you know, we chill vibe. Lekin ye log kya karte hain? Main tumhare saath aake so bhi jaun. Yeah. Wow. Ek hi dafa. Ek hi dafa. Na tumhe front seat milegi. Aaj nahi, main aaj, you know, aakhri din hai, rest karna. हमारा आज का मकसद था एक रोड ट्रिप पे जाना, और उस रोड ट्रिप पे जाते जाते सनसेट हो जाएगा। यहाँ पे हम रुके भाई, ये स्नैक्स ले लिए, ये इन्होंने रोड ट्रिप के लिए स्नैक्स यहाँ से ले लिए। प्रिंगल्स, प्रिंगल्स, चिप्स, चिप्स, इतने ज्यादा क्यों लिए? पीने के लिए नहीं लिया, ले लो। You guys see, in Pakistan you guys are getting Armani products. तो उससे क्या फर्क पड़ता है? You never see anything with Armani anywhere else, but you know Pakistan are respecting. I respect you guys. घर पे ना इतने दिन से तुम नेस्ले पी रहे हो, चुप करके लेकिन नहीं, मैं कुछ नेस्ले, कल पानी नहीं चल रहा था। हमारी रोड ट्रिप का पर्पस ये था कि हमने जाना था डायनो वैली। डायनो वैली है मोनाल से और हाईलैंड से भी आगे, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, हम मैं कभी गया नहीं हूँ। तो हम रास्ता तो हमारा स्टार्ट हो गया है, लेकिन सूरज भी ढलना स्टार्ट हो गया, थैंक्स टू दिस गाय, थैंक्स टू दिस गाय। इसको मैं शेम कर चुका हूँ कितना It I'm is. on vacation. Let me sleep. Let me chill. Let me vibe. You know. Yeah, sahi baat hai. We can do home stuff. You know, guys, they didn't want to hang out with Amma, Abu, Hamna. They were gone for lunch. Exactly. Yeah, they didn't want to go. Because they didn't want to wait for you to get up. Exactly. We were waiting for you. That's cap. I swear. You came to me at like 3:10. I came to you at 1. 3:10. No. Not 3. Pehla 1 pe aaya tha. Chuta. Is like. नहीं, जब मैंने चीखा था तुम्हें कि गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप, दिस इज नाउ, ओह यू वांट टू सी मंकीज, इसको बोलते हैं मेरा, ये देखो, ये होती है ग्रीनरी। ओके, मैंने कभी नहीं बोला मम्मा मैं ग्रीनरी है, नेवर सेड दैट। कौन सी द मंकीज है? या या, यू गोना सी, यू आर गोना सी लोड्स ऑफ मंकीज देयर गाइस व्हेन वी सी द मंकीज। क्या जरूरत है, रोज शीशे में तो देखते हो। डायनो वाली आ गए, और ये यहां पे बैठा हुआ ना मेरा मजाक उड़ा रहा है। अब गाइस हाउ आर यू सेइंग इट? अब गाइस हम पहुंच गए डायनो वैली, चले चलते। वो तो डायनासोर का कॉन्सर्ट भी हो रहा है, देखिए ये शदान तुम्हारे जैसे लग रहे हैं, देखो दे लुक लाइक यू। जिस पॉइंट से हम अंदर आए ना, एक तो ठंड वाकई है, सो बहुत अच्छा कि हमने किया कि हुडी हमने पहन ली, इसने नहीं पहनी, ये तो आया भी शॉर्ट्स में ही है। सो बेसिकली हमने ये समाप्त किया, अभी तो हमने देखा नहीं है बुरा, लेकिन अभी तक जितना देखा है, अभी तक ये समझ आया कि बच्चों के लिए है और बच्चों के झूले झूलों के लिए है, बट डायनासोर वॉक शॉक है, कोई सारी चीजें आपको दिखाते हैं, हमने खुद भी नहीं देखी, जैसे जैसे हम देखेंगे आपको भी साथ में दिखाएंगे। ये देखें जैसे बच्चों की रॉक क्लाइंबिंग एंड स्टफ, और ये झूले वूले लगे हुए हैं यहाँ पे। गाइस डायनासोर ने बच्चा दिए, डायनासोर का अंडा, ये मेरा बच्चा है। क्या ये मेरा बच्चा है? लगता भी है। So honestly, जितने पैसे लगे हैं, जितनी attention to detail है। Guys, देखो, ये मैं हूँ, वो अली, यानी
ओ देखो सलाम बोल रहे तुम ये बच्चों की तरह कुछ हो रहा है ये बच्चा है यहाँ पे ये यहाँ पे दान हाथ भी लगाओ वो गुस्सा हो रहा है He's getting angry. So guys, basically 800 रुपीज पर पर्सन की टिकट थी सो वी पेड 2400 2400 रुपए हमने पे किए बट ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट हुई है मतलब यार सो नाउ वी सॉ अराउंड 16 डायनासोर्स विद फॉसिल्स 3 गोरिल्लास 3 मैमथ या वो भी री फॉसिल नीचे भी हमें फॉसिल नजर आई थी इंटरैक्टिव फॉसिल या दैट वाज कूल दैट वाज रियली और यहां पे आपको ये देखें इतने रियलिस्टिक लगते हैं सीरियसली पता लगता है कि यार बड़ी मेहनत की गई है सो जेन्युइनली आई फील बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी जगह है मतलब राइड्स वगैरह भी हैं आप इसमें को एजुकेशनल टूर भी लेके जा सकते हैं कि टी रेक्स ही होता है पता नहीं कौन सा स्टेगोसॉरस था पता नहीं कौन सा याद नहीं आ रहा सर ये काफी चीजें हैं अमेजिंग प्लेस यार इट्स अ कार्निवोर सो स्पाइनोसॉरस राइट या स्पाइनोसॉरस गाइस बताएं या आई एम प्रीटी श्योर स्पाइनोसॉरस स्पाइनोसॉरस या कुड लुक द स्पाइन एंड देयर्स अ कार्निवोर गाइस बताएं स्पाइनोसॉरस है ये वाला ये आर्कियोलॉजिकल टाइप की चीजें बनाई हुई है ये ब्रश कर रहा है देखो दांत He's brushing his teeth. It looks so cool. What? If anyone watched Jurassic Park and how it opened in the archaeology scene, I'm doing it right now. Exactly. But I have a packy brush, which is weird. You can check, yar. Coffee attention to detail, very knowledgeable stuff. Like, ye dekhen, ye dekhen. Aur saath saath likhe bhi hai ki kaun se hain ye. So very cool. But the story is really good. It's not real, lag raha hai. It's not real. Looks so real. Look at the tree. Look at the tree. Look at the tree. हाँ ठीक है देख लिया. शक्ल ही सेम है. हम डायनो वैली करने आए थे. लेकिन बच्चों को साथ ले आए हैं. वो देखो झूलों पे बैठे हैं. वो देखे. साथ आ गया यार. ये फुल ऑन इनको झूलों में मजा आ रहा है. यहाँ पे आके हम झूलों में क्यों गए थे? आप भी आते हैं हमारे साथ तो सिसी सा झूला था इसमें तो बैठ ही सकते थे हम बस चिलिंग वी वर एंजॉयिंग द व्यूज एंड स्टफ नहीं बैठा हमें नहीं अच्छा लगता अच्छा बहुत छोटा मासूम है ये सीरियसली यू लाइक फिट इन दैट चेयर नहीं खत्म हुआ ये लोग दूसरे पे चले गए फ्री फॉल जो भी इसको बोलते हैं ये लोग इस पे हैं बट ये है बहुत छोटा सा लाइक इतना सा है बस गाइस ये ट्रेन है जो पता नहीं आपको सैर शेर कराती है क्या है ऐसे भी सीन हैं यहाँ पे गाइस फाइनली नीचे आ गए नीचे आते साथ ही हम आगे खाना खाने तो खाना खाने के लिए हम आए हैं कार्निवोर कार्निवोर पे जरा वेटिंग है तो 15 मिनट वेटिंग थी तो यहाँ पे ये एक दुकान है यहाँ पे मैं काफी टाइम से कप लेने की कोशिश कर रहा हूँ कोई होता नहीं है अभी भाई अभी भी आए हैं तो व्हाट इट्स टू बिग फॉर मी मियां दैट्स नॉट बैड लेकिन बहुत बड़ा है इट्स अ कप जो अच्छा लगा है वो है इस तरह का इज वेरी नाइस इज वेरी नाइस ले लिया गाइस अब नए कप में कॉफी पिया करेंगे कार्निवोर जाके देखते हैं कि कार्निवोर में हमारी जो जगह है टेबल है वो बनी कि नहीं ये होती हैं यहाँ की गेम्स ये जरा चेक करें ऐसे फाड़ते हैं और उसके बाद ओह टेंडर मीट ओह और इसकी शक्ल देखें ये देखें मीट को देखें ओह एंड ये आया एंड ये टेंडर देखिए कितना है गाइस नली भी आ रही है एंड हियर इट गोज ये भी
गाइस फाइनली हम वापस आ गए और इस लेवल का थक के चूर हो गया। सुबह आई थिंक 10 बजे को उठा हूँ एंड बिल्कुल भी अब हिम्मत नहीं है, बिल्कुल बेड पे ना लेट के ऐसे कमर सीधी हुई है। 10 मिनट और मैंने सो जाना। इसने मेरी नाक में दम करके रखा है, बेड पे चढ़ के ना ये बालों से भर दिया इसने। यार बच्चा तो है, बच्चा तो है। ब्रूनो आ जाओ। चलें गाइस आपसे मुलाकात होती कल एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।